नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और इस वक्त सीधा मैं मौजूद हूं यूपी के बहराइच से, जहां कल दंगे की आग भड़की थी। आज दंगे की आग के बाद क्या हैं हालात, माहौल कितने तनावपूर्ण हैं और फिलहाल पुलिस ने कैसे मोर्चा संभाला है, ये सब कुछ आज मैं आपको इंडिया टीवी पर दिखाऊंगी। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ कल भीड़ ने उपद्रव मचाया था। कल जहाँ भीड़ इकट्ठा हुई थी और भीड़ ने इकट्ठा होकर ना सिर्फ तोड़फोड़ की थी बल्कि आगजनी भी की थी। देखिए, पतली सी एक सड़क है और इस सड़क के दोनों तरफ जो भी इमारतें बनी हुई हैं, हालांकि यहाँ पर मैं आपको तस्वीर एक बार दिखा देती हूँ, मेरे कैमरा सहयोगी राजीव आपको दिखाएंगे। ये वो तहसील है जहाँ तक प्रदर्शन लाने के लिए भीड़ आगे बढ़ रही थी, जहाँ गोपाल मिश्रा के शव को रखकर प्रदर्शन करने की बात भीड़ की तरफ से की जा रही थी। यहाँ से भीड़ इकट्ठा होती है, समझाइश दी जाती है, समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब भीड़ नहीं मानती और जब भीड़ उग्र हो जाती है तो इसी रोड पर आगे भीड़ बढ़ती है और फिर मचता है यहाँ उपद्रव। जी हाँ, फिर यहाँ पर हिंसा भी होती है, आगजनी भी होती है, तोड़फोड़ भी होती है। यानी आगे आप जाएंगे, जितनी भी इमारतें पड़ेंगी उन सब में तोड़फोड़ की जाती है। फिलहाल कल के दंगों के बाद या कल उपजी हिंसा के बाद या कल जिस तरीके से माहौल खराब हुआ था, सांप्रदायिकता बढ़ी थी, उसके बाद आज क्या कंट्रोल या क्या नियंत्रण पुलिस ने किया हुआ है, एक बार वो मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगी। यहां देखिए, पुलिस की जो तैनाती है वो हमें नजर आ रही है। पुलिस यहां पर तैनात है, पूरे बंदोबस्त किए गए हैं कि किसी भी प्रकार से भीड़ एक बार फिर यहां पर इकट्ठा ना हो पाए, भीड़ इकट्ठा ना हो पाए, जिससे यहां का माहौल तनावपूर्ण जो है वो ना हो पाए। फिलहाल इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद है ताकि कोई अफवाह यहां पर ना फैल पाए। इसके साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीड़ित परिवार से मिलेंगे, यानी कि गोपाल मिश्रा के परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलेंगे और ये मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद होने जा रही है सीएम आवास पर। लेकिन आइए आपको सुरक्षा के जो इंतजाम है वो मैं दिखाती हूँ। ये वो सड़क है जहां पर कल मॉब थी, यानी कि जहां पर कल भीड़ थी, और ये भीड़ जब आगे तेजी के साथ बढ़ती है तो कितना उपद्रव मचाती हुई जाती है, ये तो आपने कल की तस्वीरों में देखा था। लेकिन आज हालात को नियंत्रण करने के लिए आप देखिए, पीएसी को यहां पर तैनात किया गया है। पीएसी की जो टुकड़ियां हैं वो यहां पर हमें तैनात नजर आ रही हैं ताकि किसी भी तरीके से माहौल जो है वो ना बिगड़ पाए। अब देखिए, पुलिस चौकी भी यहीं पर है, पुलिस चौकी तहसील महसी भी यहीं पर है, यानी यहाँ पुलिस चौकी भी है, उसके बावजूद कल यहाँ पर दंगा भड़का था, कल यहाँ पर हिंसा हुई थी। वो हिंसा क्यों हुई, हिंसा कैसे हुई, उसकी इनसाइड स्टोरी आज इंडिया टीवी पर आप जरूर देखेंगे। लेकिन उससे पहले उस इलाके को समझने की कोशिश करिए जहाँ पर ये हिंसा हुई, जहाँ पर ये उपद्रव हुआ, जहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई और भीड़ ने इकट्ठा होकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी थी। अभी भी दंगे के जो निशान हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। अभी भी जले हुए मकान, जले हुए शोरूम देखने को मिल रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन फिलहाल प्रशासनिक अमले ने जो कंट्रोल किया है वो आपके सामने है। पीएसी की तैनाती कर दी गई है, पुलिस बल यहां पर तैनात है, अधिकारियों का जो मूवमेंट है वो लगातार जारी है, अधिकारी लगातार इस इलाके में चक्कर लगा रहे हैं, उनका मूवमेंट लगातार जारी है ताकि ये रोड जो अभी आपको शांति वाली नजर आ रही है उस रोड पर फिर से तनाव पैदा ना हो जाए। इसीलिए इस रोड पर अभी आपको जहां तहां पुलिस की तैनाती ही नजर आएगी। देखिए, यूपी के बहराइच में अभी हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब से थोड़ी देर में बहराइच हिंसा के पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलने वाले हैं। ये मुलाकात सीएम हाउस में होने वाली है। योगी से मिलने के लिए हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पत्नी और उनके पिता रवाना हो गए हैं। बीजेपी विधायक परिवार को योगी से मिलाने के लिए लेकर रवाना हुए हैं। दो दिन पहले दुर्गा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद में रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे को बर्बर तरीके से मारा गया। हत्या से नाराज भीड़ ने कल बहराइच के महाराजगंज कस्बे में जमकर तोड़फोड़ मचाई थी और उसी जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहां आज आपको भीड़ तो नजर नहीं आएगी, लेकिन हां, आपको पुलिस की तैनाती नजर आ जाएगी, अधिकारियों का मूवमेंट आपको नजर आ जाएगा, ताकि यूपी में दंगे वाली साजिश को फिर
फिर से कामयाब ना होने दे पाए, ताकि दंगे वाला जो मॉडल है वो फिर से सफल ना हो जाए, इसीलिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि कल जिस तरीके से हालात पैदा हुए थे उसके बाद सवाल भी खड़े हुए थे कि उत्तर प्रदेश में दंगे वाला मॉडल सफल कैसे हुआ, लोकल इंटेलिजेंस फेल कैसे हुई, पुलिस की मौजूदगी में भी दंगा कैसे हो गया, पुलिस समझाने में नाकामयाब कैसे रही। ये वो तमाम सवाल हैं जो कल की तस्वीरों के बाद खड़े हुए थे, लेकिन फिलहाल माहौल को देखते हुए, तनाव को भांपते हुए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, पीएससी को तैनात कर दिया गया है और पुलिस बल की तैनाती यहां पर लगातार है। बहराइच में कल हुई हिंसा और आगजनी के बाद आज पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, गलियां सुनसान है, यहाँ रहने वाले लोग अपने अपने घरों में कैद है, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए इसलिए पुलिस के आला अधिकारी फिलहाल पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं, यानी चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस बल की तैनाती ही नजर आएगी। बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो भी आपको यहाँ पर मार्च करते हुए नजर आ जाएंगे, ताकि यही जो शांति है वो फिलहाल इस कस्बे में बनी रहे। एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ कि आज क्या कुछ हो रहा है महाराजगंज। बहराइच का ये महाराजगंज का इलाका है और ये वो मकान है जहाँ रामगोपाल मिश्रा को गोली लगी थी। आज ये पूरी सड़क पर सन्नाटा है और कर्फ्यू तो नहीं लगा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कर्फ्यू लगा हुआ है। पुलिस की गाड़ियां यहां पर गश्त कर रही हैं और सारी दुकानें यहां बंद हैं, लोग घरों के अंदर कैद हैं और जो निशान जो हिंसा के, जिस तरह से हिंसा यहां पे हुई है दुर्गा पूजा, दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन के जुलूस के दौरान और जो कल यहाँ हिंसा हुई है उसके निशान यहाँ ज़रूर दिख रहे हैं। आगे यहाँ पर गाड़ी जली हुई पड़ी हुई है, जगह जगह तोड़फोड़ हुई है, सड़क पर भी निशान है टायर जो जलाए गए हैं और चप्पे चप्पे पे इस तरह से पुलिस यहाँ पे तैनात है। गलियाँ बिल्कुल सुनसान हैं और सामने गली, इधर गली, इधर गली, हर तरफ बिल्कुल सब कुछ सुनसान पड़ा हुआ है। लोगों से कहा गया है कि वो घरों में रहे, आपको किसी छत पे, किसी खिड़की पर भी कोई आपको बाहर नहीं दिखाई देगा। इस गली में भी एक गाड़ी जलाई गई है, वो गाड़ी अभी है, हालांकि यहाँ जो मलबा था, जो जली हुई चीज़ें, जो उसके बचे हुए थे टुकड़े, उसको हटाने का काम यहाँ पर नगर निगम कर रहा है और लोगों की यह पहचान की जा रही है कि आखिर ये जो हिंसा हुई, जो रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई, कैसे शुरू हुई, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, तो CCTV निकाल कर लोगों से पूछ कर पुलिस ये पड़ताल कर रही है और साथ में बड़ी तादाद में आसपास के ज़िलों की पुलिस भी यहाँ पर मौके पर है। गश्त की जा रही है, लोगों के घरों में जाया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि माहौल ख़राब ना होने दें, माहौल को ठीक करें और किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में ना लें। तो जिस तरह की हिंसा यहाँ परसों शाम से लेकर कल दोपहर तक दिखाई दी है, वो सरकार की सख्ती, प्रशासन और पुलिस के एक्टिव होने के बाद अब यहाँ हालात कंट्रोल में है, लेकिन तनाव बना हुआ है। देखिए, माहौल को जरूर कंट्रोल में कर लिया गया, लेकिन तनाव की स्थिति यहाँ कर महसूस की जा सकती है। जो सुनसान पड़ी हुई सड़कें हैं या जो दुकानें बंद हैं, आप एक बार फिर तस्वीरों में देखिए, ये वो सड़क है जहाँ कल दंगा भड़का था, यहाँ पर दुकानें भी हैं और ये जो दुकानें हैं वो आज हमें बंद नजर आ रही हैं और यहाँ पर हमें पुलिस का कब्जा नजर आ रहा है। भोले शंकर जलपान गृह, ये खाने पीने का यहाँ आप दुकान कह सकते हैं, वो है, ये भी यहाँ पर बंद है। इससे आगे चलेंगे जहाँ आपको पुलिस नजर आ रही है, ये भी वैष्णो कैटर्स नाम से एक दुकान है, ये भी बंद है। इस इलाके से आगे बढ़कर यहाँ आप नाम पढ़कर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हिंदू समुदाय से जुड़ी हुई दुकानें हैं। इन दुकानों से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यानी आप 200 से 300 मीटर अगर आगे जाएंगे, तो वहां पर दंगा भड़का, लोगों ने हंगामा किया, हो हल्ला किया और हो हल्ला इस कदर किया कि जमकर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। अब यहाँ देखिए, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर भी तैयारियां बखूबी की गई थी, जिसमें ये सब कुछ हुआ। आपको जगह जगह इस तरीके से जो भगवा झंडियां हैं वो आपको पूरे रास्ते पर नजर आ जाएंगी, ये भगवा झंडियां जो हैं वो लगी हुई हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर यहां क्या तैयारी थी और किस तरीके से यहां पर जुलूस निकाला जा रहा था, जिस जुलूस में हंगामा हुआ और उस हंगामे में गोपाल मिश्रा की जान चली गई।
फिलहाल हालात को नियंत्रण में किया जा रहा है। खुद अमिताभ यश मौके पर, कल आपने तस्वीरें देखी होंगी, माना ये जा रहा है कि तनाव को देखते हुए वो यहाँ पर कैंप कर सकते हैं बहराइच में ही। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे हैं। खुद जो विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, वो पीड़ित परिवार को लेकर रवाना हो चुके हैं और मुख्यमंत्री के आवास पर बहुत जल्द बैठक होगी, यानी कि बातचीत होगी पीड़ित परिवार के बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में, जहां मुख्यमंत्री ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीड़ित परिवार की मांग क्या है और स्पॉट पर दरअसल क्या हुआ था, गोपाल मिश्रा की जान कैसे गई थी और कैसे दंगा भड़का था। क्या कहना है पीड़ित परिवार का, आइए आपको वो एक बार सुनवा देती हूँ। खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे, और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए, जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी। नहीं कहा कि हमारे लड़का कहा मारा गया, तड़फाए तड़फाए गोली से मारा गया है, समझो तो उनके सजा दें जाए, उनका उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किनका है तो किनकी सजा देंगे। ये घटना पुलिस की लापरवाही से घटी है, पुलिस की सुरक्षा होती तो ये घटना न घटती। अब्दुल हमीद का लड़का ये जब वो झंडा लहराता हुआ आगे बढ़ा तो उसके हमीद के लड़के ने गोपाल को खींच ले गए, और खींच ले गए और अंदर से गोली मार दिया, और जब गोली की आवाज़ सुनकर उनके साथ में जो भाई लोग थे या गांव के लोग थे तो आगे बढ़े तो उनके पर फायरिंग हुई, तो पीछे हट गए अपनी जान बचाई, उसके बाद में आगे बढ़े, किसी तरीके से गोपाल को बाहर निकाला। सजा मतलब मिले उनका, उनका घर गिरावा जाए, उनका जो उन्होंने तो उनका राजा उनके साथ है, अगर हमारा देहावर गा तो जाए उन्हों। हाँ, हम चाहते हैं ये कि उनको फांसी होनी चाहिए, उनका घर गिराया जाए। अब देखिए पीड़ित परिवार को आपने सुना, पीड़ित परिवार बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग कर रहा है और उनके बेटे के दोषियों को फांसी की सजा हो, ये मांग पीड़ित परिवार कर रहा है और कल यही मांग परिवार की तरफ से उठाई जा रही थी, लेकिन इसी प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवियों ने फायदा उठाया और फिर यहाँ पर जमकर हिंसा भड़की। ये जो सड़क इस वक्त आप देख रहे हैं, इस सड़क पर अमूमन वाहनों की आवाजाही रहती है, यहाँ से लोग गुजरते हैं, लेकिन फिलहाल जब से हम यहाँ आए हैं या जब से मेरी मौजूदगी है, एक भी गाड़ी यहाँ से किसी आम शख्स की या यहाँ रहने वाले लोगों की गुजरी है ऐसा अभी तक हमने नहीं देखा है। इस रोड पर सिर्फ गश्ती हो रही है पुलिस प्रशासन की, यहाँ पर पुलिस की जो जीप है, अधिकारियों की जो गाड़ियां हैं, वही सिर्फ आगे बढ़ रही हैं, वही सिर्फ इस रोड पर मूवमेंट करती हुई नजर आ रही है। अब हुआ क्या जिसकी वजह से जो महाराजगंज कस्बा है ये इतना सुनसान पड़ा हुआ है, ये जो भगवा रंग की तैयारी आप देख रहे हैं, जो गेट लगे हुए देख रहे हैं, जो आप यहाँ झंडियां लगी हुई देखेंगे, ये आखिर भगवा रंग कैसे यहाँ पर हिंसा हो गई इस धार्मिक कार्यक्रम की वजह से, आइए ये मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ। मामला 13 अक्टूबर का है, 13 अक्टूबर को शाम को बहराइच के महसी कस्बे से दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन हो रहा था, इस विसर्जन जुलूस जब महाराजगंज बाजार में पहुंचा, ये बाजार का ही देखिए इलाका है, यहाँ पर तहसील है, यहाँ पर पुलिस की चौकी है, यहाँ पर जब ये जुलूस पहुंचता है तो थोड़ी सी दूरी पर, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ उससे थोड़ी सी दूरी पर वो इलाका है या वो स्पॉट है जहाँ पर गोपाल मिश्रा को गोली लगी है, जहाँ पर ये पूरा का पूरा विवाद हुआ। बताया ये जा रहा है कि दुर्गा विसर्जन जुलूस में डीजे बज रहा था और डीजे पर बज रहे गाने को कर विवाद शुरू हुआ, विवाद बढ़ा तो पत्थरबाजी शुरू हो गई, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने डीजे का विरोध किया और जब डीजे बंद नहीं हुआ तो पथराव होने लगा, विवाद इतना बड़ा कि कुछ लोग रामगोपाल मिश्रा को घर के अंदर लेकर गए और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। जब हत्या की खबर फैली तो लोग शव के साथ मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गए, फिर जब कल भी रामगोपाल का परिवार शव के साथ धरने पर बैठा तो भीड़ बेकाबू हो गई और फिर शोरूम हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे घर हो, सबको आग लगा दी गई। हालांकि बाद में पुलिस ने मोर्चा जरूर संभाला, लेकिन काफी देर तक इस सड़क पर भीड़ तांडव करती रही, इस पतली सी सड़क पर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई और उसके बाद भीड़ ने जो उपद्रव का तांडव किया वो तस्वीरें आपने देखी थी।
फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच की इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सख्ती से निपटने के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। यूपी का माहौल बिगाड़ने वाले, यूपी की शांति भंग करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं पत्थरबाजी के मामले में 30 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें 6 नामजद आरोपी हैं। इनमें एक आरोपी राजा और साहिब खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हिंसा प्रभावित इलाके में PAC की 12 कंपनियां नजर आ रही हैं। यहां पर PAC तैनात है, ये हम भी देख पा रहे हैं और आपको भी हम तस्वीरों में जरूर दिखा रहे हैं। इसके अलावा CRPF की 2 कंपनियां और RAF की 1 कंपनी फिलहाल इस कस्बे में तैनात कर दी गई है, ताकि माहौल यहाँ का ना बिगड़े। जो तनाव अभी यहाँ के वातावरण में महसूस किया जा रहा है, वो तनाव हिंसा में तब्दील ना हो जाए, इसीलिए पुलिस ने पूरे इलाके को आप कह सकते हैं कि अपने कब्जे में ले लिया है। और ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो फिलहाल सुनसान पड़ा हुआ है। देखिए इसी रोड पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसे बार बार क्यों कहा जा रहा है कि इलाका सुनसान पड़ा हुआ है या यहाँ अघोषित कर्फ्यू जैसा है, तो मेरे कैमरा सहयोगी आपको तस्वीर दिखाएंगे। देखिए ये बाजार का इलाका है, ये वो महाराजगंज कस्बे का इलाका है जहाँ ये दुकानें खुला करती हैं, जहाँ बाजार लगा करता है, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से हर एक दुकान का जो शटर है वो हमें बंद नजर आ रहा है। यहाँ देखिए जन सेवा केंद्र है, वो भी बंद है। इसके अलावा यहाँ पर किसान पद के पास संपर्क सूत्र है, ये भी बंद है। इसके अलावा आगे आएंगे तो हरिओम स्टूडियो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, हरिओम स्टूडियो भी यहाँ पर बंद है। यानी आगे तक जहां तक नजर जा रही है सिर्फ शटर जो है वो हमें गिरे हुए नजर आ रहे हैं, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल यहाँ का माहौल क्या है और कैसे अघोषित कर्फ्यू जैसा है। कर्फ्यू लगाया नहीं गया है लेकिन लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। कल जो कुछ हुआ उसे देखते हुए ये दुकानों को नहीं खोला गया है। अब देखिये यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव से पहले दंगा हुआ है, और इस दंगे वाली थ्योरी को अब कैसे विपक्ष सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, ये भी लगातार कल से ही देखने को मिल रहा है। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, हर कोई इस वक्त योगी सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बहराइच में हुए बवाल को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अवधेश प्रसाद ने कहा कि हिंसा के लिए योगी सरकार जिम्मेदार है, अगर पुलिस होती, पुलिस सतर्क होती तो ऐसी घटना ना होती। जो बहराइच की घटना है बहुत ही दर्दनाक, हृदय विदारक, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लापरवाही, पुलिस की लापरवाही से ये घटना हुई है। अगर पुलिस सचेत होती, सतर्क रहती तो ये घटना न घटती। अब मुख्यमंत्री जी मिलने जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी मुख्यमंत्री होता उसको तो मिलने पड़ता, लेकिन यही इंतजाम पहले कर लिए होते तो आज ये दर्दनाक घटना न घटती। सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है और इस घटना के लिए सरकार दोषी है, और लॉ एंड ऑर्डर पर कोई नियंत्रण नहीं है, और इनका इकबाल ख़त्म है, और इकबाल से सरकार चलती है। योगी बाबा का पुलिस के लोगों पर भी कोई इकबाल नहीं रह गया है, अन्यथा ये घटना न होती। अब देखिए विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था कैसे ध्वस्त हो गई, लेकिन कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए और फिलहाल इस इलाके में शांति बहाल रखने के लिए यहाँ लगातार मूवमेंट जारी है। UPSTF के भी कुछ लोग यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। ये तहसील है महसी की, आप कह सकते हैं महराजगंज की ये तहसील है, और इसी तहसील में फिलहाल अधिकारियों का जो मूवमेंट है वो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर UPSTF के सादा वर्दी में कुछ लोग आपको नजर आ रहे होंगे, चूंकि अमिताभ यश मौजूद हैं बहराइच में। कल उनकी तस्वीर आपने खुद रिवॉल्वर के साथ देखी होगी। चूंकि मुख्यमंत्री के सीधे निर्देश हैं कि इलाके में तनाव पैदा ना हो जाए, इसलिए लगातार यहाँ पर लोग जो हैं, अधिकारी जो हैं, वो यहाँ पर
इकट्ठा हो रहे हैं और अधिकारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से इस इलाके की जो शांति है वो भंग ना हो जाए। और यही बात लगातार सरकार की तरफ से भी बताई जा रही है। बहराइच की इस घटना पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी हालात नियंत्रण में है, इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच के निर्देश दिए गए हैं, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सपा पर पलटवार करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि दंगा फसाद समाजवादी पार्टी के डीएनए में है। बहराइच में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यदि कहीं पीछे से कोई खड़यंत्र है उसकी भी जांच हो रही है, और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जांच हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं कहा जाएगा, जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवारों को जो असीम वेदना पहुंची है वो बहुत दुख देने वाली है। जो भी पीड़ित है हमारी सरकार उसके साथ है। देखिए, समाजवादी पार्टी को आप जानते हैं कि दंगा फसाद उनके डीएनए में है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के है।